एक बार फिर से हम आज कनेक्ट हुए हैं आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लास के थ्रू। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी, पहला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन मैंने आपको और भी समझाए थे, तो आज हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। Yeah, is matter around us pure? क्या हमारे चारों जो मैटर है वो प्योर फॉर्म में है? ऐसा है नहीं, प्योर फॉर्म में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स होता है, इसे प्योर फॉर्म में बनना होता है। तो आइए फिर थोड़ा बुक स्टडी करते हैं। How to generate milk, ghee, butter, starch? चलिए मैं मान लेता हूँ। Generally हम एक बात करें कि हाँ चलो सर है प्योर, क्या चीज प्योर है? हमारे पास क्या चीज प्योर है? हमारे पास सर दूध लेने जाते हैं शाम को, सर हमें दूध प्योर मिलता है। बिल्कुल हमारे सर आपके सामने वो दूध देते हैं, लेकिन नहीं, आप साइंटिफिक जो एक तरफ से देखें साइंस के साथ देखें तो बिल्कुल प्योर नहीं है, उसमें 70% वाटर है। हाँ वो देने वाले ने बिल्कुल नहीं मिलाया, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए उसमें 70% ऑलरेडी उसमें वाटर है। और इसके अलावा हम एयर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मैटर है। तो क्या एयर में मिक्सर नहीं है? एयर भी बहुत चीजों का मिक्सर है, उसमें नाइट्रोजन भी, उसमें कार्बन भी है ना, बहुत सारी गैसेस भी अवेलेबल है। चलो देखते और आगे। Have you ever noticed the word pure? आपने प्योर वर्ड कभी नोटिस किया होगा? अगर आपने कहीं नहीं किया तो आप क्या कर लू, आपने जरूर वहां किया होगा। डेरी के फॉलो वहां लिखा रहता है प्योर घी इन इंग्लिश एंड वहां शुद्ध घी या देसी घी भी लिखा है। तो वहां पर हम देखते हैं इन अ केस केस दिस द कंज्यूमर इन द कॉमन पर्सन प्योर ही सेलिंग नो दैट। जो हम लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, आम आदमी है, वो प्योर का मतलब जानता है इसमें कोई भी मिलावट नहीं, ये तो जानते हैं। हाँ मतलब वो केवल केवल एक चीज प्योर हो उसे प्योर कहने के इसमें कोई भी मिलावट नहीं, लेकिन साइंस ये नहीं कहता। जैसे व्हाट अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर एंड अ डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज नॉट प्योर। एक्चुअली हम कुछ चीजों को प्योर मानते हैं, साइंटिस्ट कुछ चीजों को प्योर बिल्कुल ही नहीं मानता है। कैसे? जैसे मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ क्या है? मिल्क लिया बिल्कुल प्योर दिया उसने आपके लिए, तो वो आपके लिए प्योर है, बट एक साइंटिस्ट के लिए उसमें वाटर है, वो कह रहा है उसमें फैट है, वो कह रहा है उसमें कैल्शियम है, वो कह रहा है उसमें मिनरल्स है, तो इनको उसको मिलावट कहता है। ठीक है, यस वाटर फैट प्रोटीन it is when a scientist say that something is pure, which means nothing particular to substance is same their chemical nature. वो कब कहेगा कोई चीज प्योर है? जब उस मैटर में केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट के मैटर हो, ठीक है, तब वो उसको प्योर कहेगा, उसमें कोई भी चीज नहीं मिली हो, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। साइंटिस्ट के लेवल पे क्या होगा? साइंटिस्ट के लेवल पे सिंगल टाइप पार्टिकल्स अगर उसमें होंगे तब तो प्योर कहेगा, और आपके लिए तो अच्छी प्योर ही है अगर उसमें कुछ बाहर से मिलावट होने नहीं की हुई है। What is the mixture? Mixture क्या है?
ये आपके बारे में मैं सुन लेते हैं मिक्सर का मतलब है मिलावट यानी कोई चीज मिलाना हाँ अच्छी चीजों की हो चाहे वो है ना चाहे वो अच्छी चीजों की हो तो मिलावट तो मिला जैसे दाल थी उसमें चावल के दाने मिले हुए है ना या दूसरी दाल के उसमें दाने मिले हुए तो मिक्सर के जैसे एयर मिक्सर इसे कहा गया एयर का मिक्सर एयर एक मिक्सर है इसमें बहुत सारी सेवन गैसेस का मिक्सर होता है मिक्सर आज कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्सर वो है जिसमें एक से अधिक प्योर मैटर्स का मिलना होता है तो वो मिक्सर बन जाता है एंड द मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल सी वाटर मिनरल सॉइल टीटीसी और ऑल द मिक्सचर्स यहां पर एयर आप खुद लिख सकते हैं एयर भी एक प्रकार से मिक्सर है टाइप ऑफ मिक्सचर टाइप ऑफ मिक्सचर है तो एक तो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं आपको समझाते हुए चलता हूं व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस पहला क्वेश्चन है What is meant by substance? What is meant by substance? It is the pure simple form of matter. क्या है? It is the pure form of single matter. एक मैटर का सिंगल फॉर्म में ये होता है असबस्टेंस है डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशंस एग्जांपल आया इसकी फिक्स प्रॉपर्टीज होती है कुछ और कुछ कंपोजिशंस होते हैं जैसे आयरन इसके अंदर जाकर आयरन सॉलिड होता है ना आयरन मेटल और उसका हीट का गुणधर्म होता है वो बात की बात लेकिन क्या बताया इसमें केवल केवल आयरन की बात की है जैसे मिक्सर की बात करें तो मैंने आपको क्या इसकी मिक्सर को समझाया है आपको ये होता है होमोजेनियस मिक्स टाइप ऑफ मिक्स सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर ठीक है ये मैं क्या बताया था मैं homogeneous and heterogeneous mixture hindi mein agar bolta hai na aapko acche se dikh rahe honge in do prakar ke mixtures ko humne bataya hai hoti kya hai to sabse pehle aap homogeneous mixture ko define kar rahe hain super wale mixture ko define kar rahe hain theek hai is wale to homogeneous mixture kya hota hai isme Particles are uniformly distributed throughout the mixture. इसमें uniform way नहीं ये होगा आपने uniform और uniform matter आपने पढ़े होंगे तो उसके भी particles हैं वो आप uniformly मतलब कोई अच्छे क्रम में नहीं होते throughout the mixture. इसके पास है a uniform composition. इसकी composition है वो uniform type होती है. And the third point is that no apparent boundaries of mixture. इसमें टूटने के लिए कोई boundaries यानी बंधन नहीं होता है. तो ये बहुत सारे भागों में टूटा जा सकता है. अब आते हैं heterogeneous. All the particles are completely mixed and can be distinguished with the bare eyes in the under microscope. इसमें पूरी तरीके से वो मिले होते हैं और अगर इसे देखना भी चाहता है
इसमें कंपोजिशन कैसा था? यूनिफॉर्म, इसमें नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इररेगुलर है, ठीक है। और थर्ड है नोटिसेबल बाउंड्रीज ऑफ डिवीजन, इसमें लिमिटेड या नोटिसेबल बाउंड्रीज होती है डिवीजन तोड़ने की। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसी का बेस पे दूसरा क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता ही है। होमोजेनिटी का एक्सप्रेशन मिक्सचर में एग्जांपल के साथ, तो तीन पॉइंट मैंने बताए थे कैसे ये यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्मली होता है ना, या इसमें इररेगुलर, इसमें रेगुलर कंपोजिशन होता है, इसमें इररेगुलर कंपोजिशन होता है, ठीक है। एक पॉइंट पर क्या था, इसमें कोई बाउंड्रीशन नहीं होती, इसमें बाउंड्रीशन लिमिटेड होती है डिवीजन की। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है इसका है सी वाटर एंटर, इसका है सी वाटर और इसका है रेन वाटर, ठीक है। सी वाटर और रेन वाटर के बेसिस पे मैंने बता दिया है, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। How are soil solutions different from each other? अच्छा solution, अब आया mixture के बाद आता है क्वेश्चन solution। इससे पहले मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लूं। देखिए मिक्सचर हो गया, सब्सटेंस हो गया, मिक्सचर के टाइप हो गए, अब आई बात सॉल्यूशन, क्या मिक्सचर का फॉर एट सॉल्यूशन, सुनने में अच्छा लगा, सॉल्यूशन मतलब सॉल्व नहीं, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन, यानी किसी चीज का घुला हुआ रूप। जैसे सुगर को पानी में घोल देंगे तो वो सुगर सॉल्यूशन कहलाता है। और आ सॉल्यूशन की जा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, तो सुगर सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसी भी दो सब्सटेंस का, क्योंकि एक तो कुछ होता ही नहीं है ना, एक वाटर हो गया आपका सब्सटेंस, दूसरा सुगर हो गया आपने घोल दिया, तो दो या दो से ज्यादा वो तो कम से कम चाहिए, तो मिक्सचर सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। यूनिवर्सल सॉल्यूशन में आपको बताया था, यूनिवर्सल फॉर्मेट सॉल्यूशन में सबसे अहम जो मेन रोल होता है वो सॉल्वेंट का होता है। सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट वो होते हैं जो किसी चीज को अपने अंदर घुलने देते हैं। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो अपने अंदर किसी को भी घुलने की परमिशन देता है। आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस को भी डेली लाइफ में यूज किया होगा, देखा होगा, लेमनॉट सोडा वाटर नींबू की लस्सी बनाई होगी, दो तीन चीजों का मिक्सचर होता है, क्या क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। एक तो उसमें सबसे पहले वाटर होता है, फिर लेमन निचोड़ कर डालते हैं, लेमन हो गया दूसरा, तीसरा उसमें शुगर हो गया, चौथा वस्तु उसमें कार्बन भी डालते हैं, छोटी चीज कार्बन भी हो गई, इस प्रकार से चार पांच चीजों का मिक्सअप होता है, ठीक है। ऐसी सॉल्यूशन और भी है अदर चीजों में,
ये और एग्जांपल सॉल्यूशन लिक्विड का सॉल्यूशन लिक्विड दैट इट कैन आइदर सॉलिड लिक्विड और गैस इन इट. इस प्रकार ये अगर सॉलिड के आपको सॉल्यूशन बताए लेकिन सारे सॉल्यूशन सॉलिड के टाइप का सकता सॉलिड में होती है ना कि मैटर का सॉलिड में होता है. लेकिन जैसे लिक्विड का टेस्ट छोड़ा तो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हुआ ना, इसका हुआ लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हुआ. ऐसे लिक्विड गैस का भी सॉल्यूशन होते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे. देखिए कुछ एग्जांपल है. अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन अ सेंस सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. शुगर का एग्जांपल सबने दिया था वो सॉलिड का लिक्विड का सॉल्यूशन है. इसी सॉल्यूशन से बना है सॉलिड सॉल्यूट और वाटर का सॉल्यूट. इसमें जो घुलने वाला होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सॉल्यूट. जो घुलने वाला होता है वो सॉल्यूट. मैंने जब बताया था आपको सेकंड है अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नाउ इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन एज सॉलिड एंड सॉल्वेंट अल्कोहल लिक्विड. ये भी लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल है. अब आ रहा है लिक्विड का गैस के साथ. जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर ईटीसीआर गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन. इसमें लिक्विड में गैसी फॉर्म भी मिलाई जाती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है. तो ये गैस और लिक्विड का सॉल्वेंट हुआ. एयर कैसे मिली होती है? एयर का मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस. एयर में क्या होता है? गैसों का मिक्सचर गैस का होता है. तो उसका सीधा एग्जांपल है एटमॉस्फेयर की जो गैस एयर है उसको साथ लेते हैं. इसमें ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और अदर गैसेस भी रहती है. ठीक है, इस तरह हम देखा जाए तो हमें ध्यान है 21% होता है, 78% होता है, 0.23% होता है, 0.2% कुछ ये भी होता है. इनके लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज द ऑलवेज होमोजेनियस. एक सॉल्यूशन जो है वो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर ही होगा. द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 mm है ना नैनोमीटर. यानी वन नैनोमीटर क्या होता है? 1 mm नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर. इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है 1/4 d^7 r. ये मतलब 1/4 इतना बड़ा होता है जिसका छोटा पार्टिकल होता है. तो ये हमें मेल गैस से बिल्कुल नहीं दिखने वाला. जब हम इसको माइक्रोस्कोप में ला कर देखेंगे तो जब नहीं हमें तो बहुत दिखेगा. यानी इतना जब वो पहुंचे तब वो बिलियन कहलाए, तब वो सॉल्यूशन कहलाता है ना. उससे पहले वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता. गुलाम नदी कैन नॉट बी सीन बाय मेल गैस से. मेल गैस से नहीं देख सकते because of very small size they do not scatter or beam of light passing through the surface. So the path of light not visible. इतने छोटे हो जाते हैं कि लाइट को बार बार आने से नहीं रोक पाते. तो इसका मैं पथ ऑफ लाइट नहीं दिखती. The solute particle cannot be separated from the mixer by the pressure fluctuation. जब ये किसी में घुल जाते हैं, एक्सपेरिमेंट मिल जाते हैं, इसे छानकर अलग नहीं किया जा सकता. क्या सिकंजी अभी बन गई है उसको हम छानेंगे तो क्या सत्तर अलग हो जाएगी? नहीं. क्या नींबू पानी अलग हो जाएगा? नहीं. क्या वाटर अलग हो जाएगा? नहीं. तो इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता. आइए उसको देखते हैं.
कुछ कैलकुलेशंस के कारण मेरे आवाज आप तक नहीं जा पा रही थी। नाउ चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ कैलकुलेशंस के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 14 का अध्ययन करने जा रहे हैं। Solution, format, and solution, format, and solute. तो तीन चीजें इसके अंदर होती है। Solvent लेगा, solute उसमें घुलेगा, लेकिन तो घुलने वाला, और ये घोलने वाला बन गया सॉल्यूशन को क्लियर। इस प्रकार से इन चीजों को मैंने डिफाइन किया। चलिए आगे देखते हैं। और एक अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज योर सस्पेंस? सस्पेंस है क्या? नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 एक्टिविटी की भी है। यस हाँ, तो ये हम टीम पे आकर देख सकते हैं, है ना? नेक्स्ट को लिया, तो उसको करेंगे, सबको बताएगा कौन सा सस्पेंशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोस ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 व्हिच सॉलिड आर स्प्रेड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सॉलिड डिफरेंस होके लिक्विड गए आर कार्ड सस्पेंस, ठीक है? वो उसमें इसमें जो सॉलिड बन में कहा मिक्स होकर था उसको मैं बारे में बोला, तो सस्पेंशन कह रहा है। A suspension is the heterogeneous mixture which are the solid particles do not dissolve. अच्छा अच्छा सत्तर सुपर वाला नहीं हुआ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज मिक्सचर सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द होल वन मीडियम। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन ऑफ मिक्सचर है ऐसा मीडियम जिसमें जो घुलने वाले पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, वो पूरी तरह नहीं घुलते, वो हमें वेव आइस दिखाई देंगे। तो सस्पेंशन कहलाता है। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है? सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द वेव टाइप। इसकी जो पार्टिकल्स हैं हम भी खाली आंखों से दिखाई देंगे। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन क्या कर रहा है? बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एट द मेक इट पाथ विजिबल। इस पे जब लाइट पड़ती है तो हमें आर पार की चीजों को थोड़ा बहुत डिफेक्ट करेगा, हमें लाइट को पता चलेगा। हाँ आ रहा है, तो जाओ ना बेटा, कोई डाउट है क्या पारस? आप लोगों को डाउट है क्या? यस मैं अलाउ कर सकता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो। अंकुश राजावर, पारस, अक्षय राठौर, अमित राठौर, प्रीति राज राठौर और पावी बैस, आप लोगों किसी कुछ पूछना हो तो आप हैंड रख सकते हैं, पूछ सकते हैं।
स्पेनर समझ में आ गया, स्पेनर समझ में आ गया, तो काफी चीज समझे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन एक नाम है, ये भी सॉल्यूशन का टाइप है। तो ये क्या होते हैं? द मिक्सचर ऑब्टेंड बाय प्रोटीन एक्टिविटी पॉइंट। हमें एक्टिविटी पॉइंट को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, वो आपको नंबर आ रहा है। एंड इट्स कॉल्ड द कोलाइडिंग लेयर, कोलाइड एंड कोलाइड फोर्स। The particle of a colloid are uniformly scattered throughout a solution. उसमें क्या colloid जो होते हैं, वो uniformly उसमें घूम रहे होते हैं, बिना कोई fix पथ के, बिना कोई fix speed के, उसमें movement कर रहे होते हैं। तो पढ़ते हैं। Uniformly scattered throughout a solution due to the relatively smaller size of particles. As compared to that the suspension के compared में इसमें जो size बचता है वो छोटा होता है particles। उसमें इतने बड़े थे कि हम इनको naked eye से देख सकते थे। और जो इसमें है उसमें उससे छोटे size के होते हैं। And due to mixture appear to be homogeneous। ये हमें होमोजेनियस की तरह दिखेगा, मतलब हमें ऐसे देखने पे नॉर्मली नहीं दिखेगा कि इसमें पार्टिकल बचे हुए हैं। बट एक्चुअली अ कोलाइडियल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल में कैसे एक्चुअली में हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि दूध, बिकॉज़ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल वी कैन नॉट सी देयर विद आई, जो भी इनके उनको पार्टिकल के साइज को नेक आई के द्वारा नहीं देख पाते, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, ये प्रॉपर्टीज देंगे। अ कोलाइड इज अ कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ पार्टिकल कोलाइड टू स्मॉल डायमीटर इज सीन बाय नेक आई। And collide are big enough the scatter beam of light passing through it that को आसानी से जाने देते हैं। चलिए 2.1 material ये common example of collide, ठीक है। इस table को आज समझेंगे और आज हम ये क्या करेंगे इस table के बाद अगली class में बात करेंगे। इसे describe कैसे liquid और स्पेलिंग जो मीडियम है वो गैस, तो इसे एरोसॉल बोलते हैं। एरोसॉल बनता है, एग्जांपल है इसके फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। इसमें गैस फॉर्म होती है, लिक्विड होता है ना, वो उसकी बूंदे है ना। सॉलिड और गैस है, ये भी एरोसॉल टाइप होता है। सॉलिड और गैस, स्मोक, ऑटोमोबाइल एक्सॉस्ट, इसको बोलो धुआं। इसको सॉलिड पार्टिकल होते हैं, अगर हम चला रहे हैं इसकी पूरे होते हैं सॉलिड पार्टिकल और धुआं होते हैं, तो इसमें गैस और सॉलिड हो गए। अब गैस और लिक्विड की फॉर्म देंगे, उसे बोलते हैं फॉग, और यह है सेरिंग क्रीम, ठीक है। लिक्विड होता है उसमें गैस दोनों को मिला देते तो फॉग बन जाता है। सेरिंग क्रीम घर पे पापा जी वगैरह यूज करते होंगे, वो गैस और लिक्विड का कोलाइडिंग मिक्सर है। लिक्विड लिक्विड का इसे इवोल्यूशन बोलते हैं, जैसे कि हम पेंट करते हैं तो वो उसको भी इवोल्यूशन ही बोलते हैं। जैसे मेल केस क्रीम पेंट भी बोल सकते हैं, जो हम गलत अप्लाई करते हैं वो भी। सॉलिड लिक्विड के को क्या बोलते हैं? सॉल, ठीक है। जैसे मेरे को मैग्नीशिया और मड, ठीक है। सॉलिड और मड मतलब मिट्टी को पानी में घोल दो तो वो सॉलिड और लिक्विड का कोलाइडिंग लेयर कहलाएगा। ऐसा सॉलिड का है एक और रबर स्पॉन, लिक्विड और सॉलिड का है। अगर लिक्विड और सॉलिड का सॉलिड का कराएंगे तो जेल बनेगा, तो जेली इंची बटर, ठीक है। सॉलिड और सॉलिड का सॉलिड सॉल्ट कहलाता है, कलर जेमस्टोन मिल्की ग्लास,
ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं आपको समझाएं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं तक रहेगी।